आशीष पागल है तू? हाय मैं मर जाऊं। सो हेलो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू आवर YouTube चैनल एमवी ब्लॉग्स। They told you what to chase. And I hope आप सब घर पे बहुत अच्छे होंगे। आज बहुत स्पेशल डे है क्योंकि आज मैं अपनी एक बेस्ट फ्रेंड को सरप्राइज गिफ्ट करने वाला हूँ क्योंकि वो मेरे से रूठ चुकी है और रूठने का जो रीजन है वो आपको मैं गाड़ी में बताऊंगा। उससे पहले आपका हाल चाल पूछना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो किद्दा हूँ जी सारे? वधिया अप्पा, बहुत वधिया, मैं ऑलवेज वधिया रहता हूँ। तो यहाँ से निकलने का टाइम हो चुका है, टाइम हो रहा है, एक दीपक आ चुका है तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, तो मिलता हूँ आपको गाड़ी में। तो डे हैज कम, आ चुका है आपका सो कॉल्ड दीपक। तो दीपक क्या हाल है? मेरा बढ़िया गुरु, तेरा ऑलवेज बढ़िया रहता है। तो आज हम जा रहे हैं जम्मू क्योंकि जो मेरी एक फ्रेंड है, आई थिंक हम 6 साल से दोस्त है, 6 साल से भी ऊपर हो चुके हैं हम एक दूसरे के दोस्त हैं। हम कॉलेज में मिले थे और उसके बाद जाके अब हमारी दोस्ती कॉलेज के बाहर भी चलती है। हम दोस्त भी हैं, कॉलेज की दोस्ती कॉलेज तक है। अरे नहीं, वो मेरी बहन भी लगा लो, फ्रेंड भी है क्योंकि हम दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। अभी बाली भैया ने बताया नहीं तेरी एक और बहन है? बाली भैया को क्या पता होना चाहिए, माता पिता को पूछ रहे कि मेरी एक और बहन है। तो आज उसके साथ मैं मिलने जा रहा हूँ क्योंकि एक महीने से कॉन्टिन्यूसली उसके 30 से 40 कॉल्स आ चुके हैं मेरे को और मैंने एक भी अटेंड नहीं किया क्योंकि मैं कभी इधर बिजी कभी वहाँ पे बिजी। तो वो गुस्सा हो चुकी है। उसका लास्ट मैसेज जो था वो ये था कि आज के बाद लाइफ में मैं तेरे से कभी नहीं मिलूंगी, ना ही कभी तेरे को कॉल करूंगी। तो इतनी ज्यादा गुस्सा हो चुकी है, तो इसलिए मैंने सोचा कि उसको मनाने का एक ही रीजन है कि उसको एक सरप्राइज गिफ्ट दिया जाए। तो क्या क्या दूं मैं उसको? भाई देखो, अखनूर में मोमो बड़े मशहूर हैं लोकल वालों के। आ जाके मोमो भी हटता है और कोई खाने पीने की आइटम तो मर्जी दे दो। नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे याद है जो मैंने सोचा है, क्योंकि मैंने सोचा था कि दीपक से भी आइडिया लूंगा, बट मैंने जो सोचा है कि लास्ट टाइम मैंने एक पिकअप लोड करी थी न्यू हुड के साथ, तो वो उसको काफी ज्यादा पसंद आई थी। उसने पर्सनली मैसेज किया था कि ये हुड मेरे को काफी ज्यादा पसंद आई है। तो आज मैं सोच रहा हूँ उसको वही गिफ्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ रेड टेप। They told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. तो आप देख सकते हैं हम इसी के साथ चीड़ी के मेले में पहुंच गए हैं और यहाँ पे चीड़ी का मेला लगने वाला है। थोड़ी देर में चूल्हा इधर से निकल गया है। तो क्या चाहता है तो मैं चाहता हूँ सारी आपने नहीं देखा जो हमने देखा। तो यार हम घर से निकल चुके हैं, आधे रास्ते पे हम पहुंच चुके हैं और दीपक को मैं कब से बोल रहा हूँ कि कोई ना कोई तो कहानी सुनानी पड़ेगी। मैंने इनको पहले सुनाया है, पारू आया बाबा लोधी 6 जगह था एक बोधी, वो भी सुनाओ, ये वो भी नहीं सुनाते, इन्हें आता की है। Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. Cause everybody wanna tell you bad things. What could go wrong? What fame brings, but success is a finicky thing. And if you ain't sure, no, it'll never be. मास्क गिर गया नीचे, पहले मास्क पहन ले दो, उसके बाद बात करेंगे क्योंकि मेरे और दीपक के पास नॉट इवन 500 रुपया की चालान भी दे पाए। तो अभी हम जम्मू पहुंच चुके हैं और मैं अभी कॉल करने वाला हूं अपनी फ्रेंड को जिसका नाम अदिति है और उसको पूछते हैं कहां मिलना है। ए, दीपक के स्वागत में खड़ी है ट्रेन। हाँ दीपक, तेरे स्वागत में खड़ी है। देखिए यहाँ पे ट्रेन हमारे लिए आ चुकी है, हम बस ये बड़े से 2 किलोमीटर लंबे टनल से निकलने वाले हैं। देखिए हमने 1 किलोमीटर क्रॉस कर लिया है, ये 1.5 हो गया और ये हम स्वागत है, आप पहुंच गए हैं 2 किलोमीटर टनल के पास। अदिति को कॉल किया मैंने जस्ट अभी और अदिति बोल रही थी कि मैं भी निकल चुकी हूँ अपने घर से, तो आप मुझे वहीं पे मिलो, वो जो हमारी फेवरेट लोकेशन है ना। हाँ। जहाँ पे हम अक्सर मिलते हैं, ओल्ड लोकेशन। हाँ, ओल्ड लोकेशन ये मिलने वाले हैं अपनी ओल्ड लोकेशन पे, वहीं पे शायद गिफ्ट ये एक्सचेंज करेंगे। तो अभी उसे पता नहीं है कि मैं उसके लिए कुछ लेके आ रहा हूँ। हाँ ये बात है, उसको नहीं पता, उसके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है, उसको हम बताएंगे भी नहीं, ये गिफ्ट हम वापस ले आएंगे। हम दरअसल सोच रहे हैं शॉप पे वापस दे दें, हमने आपको तो बता दिया कि गिफ्ट देना है, तो आपको कौन सा पता हमने दिया है कि नहीं दिया। ठीक है, पहुंच गई वहाँ पे। चलो ठीक है मैं अभी पहुंच गया बस। ओहो, तो क्या हुआ? अदिति वहाँ पे मेरे से पहले पहुंच गई है और वो अभी मेरे को बोल रही है कि तू कहाँ पे है, और मैंने उसको शायद बोल दिया था कि मैं वहीं पे खड़ा हूँ। अभी दीपक क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, अभी वो गुस्सा है फिलहाल। अरे वो गुस्सा नहीं है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुस्सा है। उसको कल परसों का भी गुस्सा है, 1 महीने का भी गुस्सा है, आज भी गुस्सा चढ़ जाएगा। मेरी तो अच्छी खासी वॉट लगने वाली है और तू हंसने वाला है। तुम्हारा मोटू सेट आने वाला है। मोटू सेट आ रहा है, निकली गाड़ी से तो मोटू सेट आ गया। काफी मजा आने वाला है।
आजा आजा अभी आजा, तेरे को आना पड़ेगा। हाय हेलो, तू पहले ये बता बीप करके चल जाएगी वीडियो? अरे बीप। हाय दीपक, हाय कैसे हो? बस बढ़िया। नहीं चल जाएगी, मेरे को बीप नहीं करनी है, तू बैठ। गालियां 4-5 सुननी बनती है। हाय किसको? तेरे को पता कैमरे कितने लगे? याद रखना मेरे 1, 2 और 3 पीछे 3 कैमरे है, और तू जैसे भी रिएक्शन देगी अच्छे वाले देना। तू पहले ये बता फोन क्यों नहीं उठाता? अरे सॉरी ना यार, सॉरी किस बात के लिए? फोन उठाते को बीमारी मेरे को के पीछे तेरे को पता है, तेरे इतना बड़ा सेलिब्रिटी नहीं आया अच्छा भाई मोदी के पीछे वो वीडियो पे वीडियो बनाई जा। यार तुम लोग क्या कर रहे हो? आशीष मैं मोटी आ रही हूं। वीडियो में आशीष डाइट चार्ट भी दे देना मेरे। अरे तेरे को, मैंने तेरे को पता तेरे को क्यों लगा ले सब डाइट चार्ट दे देना। बोल कौन रहा? हाँ तो कैसी है तू? बिल्कुल ठीक नहीं। क्यों? क्योंकि फोन नहीं उठा सकता थे। मेरे को पहले बता था, मेरे को मार पड़ने वाली है। ये पीछे से शॉट जरूर डालना है, जो थप्पड़ मारा है ना ये पक्का डालना है। और बता। बनता है पढ़नी बनती है। किस बात के लिए बनती है? मैंने क्या किया? मुझे एक चीज बता दीपक, 5 मिनट पहले मैसेज पे बात हो रही है ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन हार्डली 5 सेकंड का गैप पड़ता है और फोन करता है कोई बंदा। वो बंदा फोन ना उठाए, वो मिस्टर इंडिया है या तो वो कहीं पता नहीं कहीं अंडरग्राउंड कुछ जानबूझ के इग्नोर कर रहा है ना। ओए दीपक तू मेरी साइड आ, दीदी की साइड है। मुझे वहां से यहां बुला लिए। जो सच है ना मैं उसी की साइड हूं। मुझे वहां से यहां बुला लिए। तू मेरे को खुद बोल रहा था कि वो मेरे से 1 महीने से नाराज है, ऐसे है वैसे है। मैं कॉल नहीं, इसको पता है कि मैं नाराज हूं। इसने सब कुछ बोला वीडियो में। धन्य भाग मेरे से इतना तो पता है कि मैं नाराज हूं। अभी अभी तेरे को वीडियो के सामने मान नहीं रहा कि नाराज है। मैं फेमस हो चुका हूं, तेरे को वीडियो में अच्छा अच्छा बोल रहा है। चल अच्छा बोल, तू सरप्राइज दे रहा था मुझे। कहां है मेरा सरप्राइज दिया? अबे मैं तेरे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज हूँ भाई तेरा। ठीक है फिर। चलो फिर चलिए। कहाँ रुकना? जिंदगी में मैंने बहुत से बुखड़ लोग देखे हैं, इस जैसा बुखड़ मैंने आज तक नहीं देखा जो सिर्फ एक सरप्राइज के लिए। तो जो तू मेरा फोन नहीं उठाता वो सही बात है, मैं प्यार से करती हूँ भाई, है ना। मैंने उस चीज़ से किया भी नहीं। प्यार से नहीं, गालियाँ सुनने के लिए ही करता है ये फोन। प्यार बोर कुछ नहीं है, सुनता गालियाँ ही है ये। मेरी इज्जत किया कर, तेरे से बड़ा हूँ। कितने? 2 दिन 3 दिन मोटे तू मार खाएगी। अच्छा क्या खाना है? क्या खाना है? हाँ तो अब मैं गोरा लग रहा हूँ। जब पैदा हुआ तब काला था, उसके बाद गोरा हो गया है ना। तू कौन सी गोरपरी थी? बहुत ज्यादा। कॉलेज के दिन याद है? नहीं याद है। याद करके मेरे को उल्टी आ जाती है। तो को उल्टी आती है? अच्छा तूने क्या मंगवाया वैसे? ठंडी चाय, आइस टी। हिंदी वर्जन भी साथ ही बता दो। अरे इसको मैंने बोला कि सिंपल से 10 रुपए की चाय ले, तो इसमें बर्फ डाल दे तो आइस टी बन गई। वैसे तो पहले से पतली हुई है। आशीष इसे मैं मान जाऊंगी? तू बकवास कर रहा है या तू ब्लॉग के लिए बोल रहा है? मेरे को पीने दे, इसके बाद मैं फिर नाराज हूं। मुझे बस ये आइस टी पीन दे। गाना गाने लगे सा आगे गागा आगे गागा क्यों गागा? तो ये लिए, ये रहा इसका सरप्राइज गिफ्ट, 20 रुपए का, हमें आता है 18 रुपए का। इतना बड़ा चॉकलेट, 2-2 रुपए वाले वेफर खाने वाले लड़की। एक खाती है 2 रुपए का वेफर, तेरे लिए गिफ्ट बहुत स्पेशल है। पहले तू मेरे को माफ। भैया खाते कैसे इसे? भैया खाना कैसे इसे? अच्छा वीडियो में हम नेक्स्ट वीडियो में दिखा देंगे। अच्छा मुझे खोल लेना। ये बढ़िया था भैया खोल। अच्छा मुझे चीज बता, तूने मेरे को माफ किया कि नहीं किया? तूने मेरे को माफ किया कि नहीं किया? नहीं नहीं किया। नहीं तो तेरे लिए एक सरप्राइज और है। नहीं यार तेरे लिए एक सरप्राइज था, मांग जा देना। क्या हो गया? ये सही था गुरु, फिर से बोल रहा है। तेरा योगा पक्का मेरे को पकड़ा रहा है। आशीष तू पागल है? तो क्या हो गया? मैंने नहीं लेनी। मैं मुक्का मारना किसने? अरे तूने मेरे को एक बार, याद है तूने मेरे को एक बार बोला था कि तेरे मैंने को तुझे मैं... बोला था मैंने उनको बंद कर, शूट शूट बंद कर। नहीं नहीं करना आशीष, तेरे को मेरी कसम पागल है, तेरे को मेरी कसम लगी। आशीष मैंने इतना महंगा नहीं लेना। मैं मुक्का मारूंगा, चुप रह तू अपनी। आशीष नहीं लेना। आशीष पागल है तू? हाय मैं मर जाऊं।
देख लेना ऐसा तो नहीं ब्लॉग वापिस दे। अरे ऐसा कुछ नहीं है। तो ये इसके लिए जो सरप्राइज मैंने अपने होम टाउन से लिया था, क्योंकि इसको एक जो चीज थी वो काफी नहीं, मुझे पसंद आई थी। आई एग्री, मुझे पसंद आई थी। तूने मेरे को टेक्स्ट किया था? मतलब हाँ, मैंने कहा था आशीष जब भी आएगा। अच्छा कितने की है पहले ये बता। ये 1,40,999 की दे सकती है। कितना जीरो लगे पहले बता। अरे तेरे लिए मैंने जिंदगी में पहला गिफ्ट खरीदा है, वो भी अपने पैसों से। नहीं आशीष, नहीं नहीं। देखो यार, अदिति को ये गिफ्ट काफी ज्यादा पसंद आया। मैं अपने से बोल देता हूँ, वो बोले ना बोले, वो सिर्फ ये मेरा नहीं है, ये ब्लॉग की बात कहेगा, दे दे वापस, बस शूट हो गया ब्लॉग। अरे नहीं, पता क्या चक्कर था, मुझे पता था तू ऐसे मानने वाली नहीं है। ठीक है, ये नाराज क्या चीज, मैं रोज नाराज हो जाऊं तेरे से। तो कैसे लगा तेरे को गिफ्ट आशीष? नहीं, मैं ये नहीं लूंगी, सॉरी, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मैं सीरियसली बोल रही हूं, मैं नहीं लेने वाली हूं, सीरियसली कह रही हूं। मैं दे रहा हूं, तेरा भाई तेरे को गिफ्ट दे रहा है। मेरा भाई मुझे पहले जॉब तो कर ले, उसके बाद दे। अरे मैं दुकान पे, मैं मेरी अपनी पर्सनल दुकान है, मैं दुकान पे बैठ के पैसे जितने कमाए थे। भैया को निकाल दिया यार, क्या है तू, क्या चाहती है? एक लड़की को इतना बेहतरीन गिफ्ट मिल रहा है, बट उसको लेना नहीं है। अच्छा तो कैसा लगा तेरे को गिफ्ट, बता ना यार, जनता को बता कैसा लगा तेरे को गिफ्ट। देखिए ऐसा है कि फिलहाल मैं बहुत, मेरा लेने का मन तो नहीं है, अंदर अंदर से मन बहुत है, बाहर से यही दिखा रही हूँ कि मन बिल्कुल नहीं है। शौक में बहुत हूँ। हाँ वैसे इतना स्पेशल प्यार ऐसा कैसे जागा आशीष? तू मेरी सबसे अच्छी वाली बेस्ट फ्रेंड है, पता तेरे को? ये तारीफ बाकी पहले कर रहा था, काफी तारीफ की इसने। अच्छा मुझे चीज बता, तू और मैं कितने सालों से दोस्त है? पजल में पहुंच गई। मैंने कोई ऐसा यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछ लिया, खाली ये पूछा हम दोनों कितने सालों से दोस्त हैं। तेरी दोस्ती पे लानत है। तेरी दोस्ती पे लानत है। कॉलेज लाइफ में हमारी काफी यादें रही है ना? कैसे? जैसे कि? जैसे कि बास्केटबॉल खेलना, उसके अलावा? और मुझे तो कुछ याद नहीं। चाय पीना? चाय पीना, अच्छा अच्छा। नहीं नहीं नहीं, वो अंकल याद आ गए मेरे को, टॉम अंकल। या वो बेल्ट वाले। अरे उसका भी क्या कहना था, हमारे कॉलेज में एक टॉम अंकल हुआ करते थे, बिल्कुल इतने मोटे थे वो जितनी अदिति है। या कह सकते हैं भगवान इतना मोटा सबको करो, कह सकते हैं। नहीं ये जो पीछे वाला जो बीच बीच में YouTube की एड दे रहा है, इसे चाहिए क्या? इतना वेट लूज करने मुझे पता है कितना टाइम लगेगा। अच्छा तो यहाँ से निकलने का टाइम आ चुका, तो मैं जा सकता हूँ भैया? तो अदिति से मिलने के बाद काफ़ी मज़ा आया, मतलब अदिति से मिलके काफ़ी टाइम के बाद मैं उससे मिला हूँ और काफ़ी मज़ा आया। तो अभी टाइम है यहाँ से निकलने का, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका हूँ मैं, 1-1.5 घंटा उसके पास बैठा हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ घर पे। हेलो। तो दुकान पे पहुंच चुका हूँ मैं, शाम का टाइम है, 8 बज रहे हैं और काफ़ी लेट हो गया था। रास्ते में जो मेरी एसेसरी थी, जो भी मैं लेके गया था साथ में, कैमरा, सब डेड हो चुके थे, इसलिए मैंने एंड अप नहीं किया इस ब्लॉग का। और आज मैं मिल के आया हूँ अपने बेस्ट फ्रेंड से और ये जल रहा है। कागज जल रहा है, मैं तो नहीं जल रहा भाई। तो कैसे लगा आज दुकान पे बैठ के? काफ़ी अच्छा लगा। हाँ बस वो काफी अच्छा लगा, इसमें और क्या बताने वाला है। तो मेरे को भी काफी अच्छा लगा मिलके, एंड आई होप आपको ये प्यारा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना माता रानी पाप लगाएगी। एज यूजुअल हम बोलते हैं, डू व्हाट एवर यू वांट टू डू, माँ बाप की इज्जत करो। बाय बाय, टेक केयर। Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, 'cause everybody wanna tell you bad things.